हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप। अब आप हमारी सभी वीडियोस गुरुकुल हब के साथ साथ अन एकेडमी पर भी देख सकते हैं। वहां पर ऑल टाइप की कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, SSC हो, CTET हो या फिर UPTET। उसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी कोर्सेज और सभी वीडियोज आप देख सकें। सो गाइज, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा आपको जीव जंतु और फलों के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। ठीक है, क्योंकि अब ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर एप्पल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था और एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, जो 27 तारीख का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है। क्लियर? तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको जीव जंतु और फलों के वैज्ञानिक नाम बताऊंगा। ठीक है, ये आज फर्स्ट पार्ट रहेगा। अभी इसमें आगे और भी बनता है, चाय है, कॉफ़ी के वैज्ञानिक नाम है, मसाले हैं कुछ, ठीक है, उनके वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कुछ पौधे हैं, उनके वैज्ञानिक नाम है, तो वो मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। लेकिन सेकंड पार्ट मैं तब बनाऊंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं आपको सेकंड पार्ट बनाकर दूंगा और साथ ही PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पहले टेलीग्राम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। फिर या तो वहां पर सर्च कीजिए गुरुकुल हब चैनल, गुरुकुल हब चैनल, ये वाला आपको लोगो लगा हुआ वहां पर मिलेगा। ठीक है, और उसको ज्वाइन कर जाइए। 8200 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर है। क्लियर? और या फिर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम सभी PDF और वीडियोस और कोई अहम जानकारी होती है वहां पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? तो वीडियो पर, इस वाली वीडियो पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे तो लाइक के ही ऊपर मैं आपको सेकेंड पार्ट बनाकर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के ये क्वेश्चंस। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो वो होता है होमो सेपियंस, उसको बोला जाता है होमो सेपियंस। क्लियर? ह्यूमन से बना होमो। ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा इंटररिलेट करके भी आप याद कीजिए। पूछा गया फ्रॉग यानी कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम, तो होता है राना टिग्रीना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कैट यानी कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, तो होता है फैलिस डोमेस्टिका। ठीक है, नेक्स्ट है रैट यानी कि चूहे का वैज्ञानिक नाम, तो होता है RATUS, रैटस, चूहे का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है लिजर्ड होती है छिपकली का वैज्ञानिक नाम होगा लेसर टिलिया। ठीक है, लासर्टिलिया। ठीक है, याद करना थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि नाम थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन क्या किया जाए, याद तो करना पड़ेगा ना। अब दो क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ ले गए तो दो नंबर, ठीक। और मैं मानता हूँ अगर ये 30-40 के आसपास होंगे, क्लियर, और अगर इतना कर लेते हैं तो फिर ये दो नंबर भी तो पक्के ना। डॉग, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है कैनिस फैमिलियर्स। फिर है काउ का वैज्ञानिक नाम, तो होता है बॉस इंडिकस, काउ का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट आता है बफेलो का है भैंस का वैज्ञानिक नाम, ये होता है बुबालस बुबेलिस। क्लियर? कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें याद करना थोड़ा सा आसान है, इंटर रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, कुछ को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर याद करना पड़ेगा। लिख कर याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लॉयन यानी कि शेर का वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ पर ये हो जाता है पैंथरा लियो। शीप, भेड़ का वैज्ञानिक नाम, तो होता है ओविज एराइज। ठीक है, नेक्स्ट है कैमिल, ऊँट का वैज्ञानिक नाम, तो होता है कैमेलस डोमेडेरियस। फिर आता है रैबिट यानी कि खरगोश का वैज्ञानिक नाम, तो होता है ऑरिक्टोलेगस। ठीक है, ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस। ठीक है,
थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद किया जा सकता है। फॉक्स यानी कि लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम तो होता है कैनिडेई, क्या है, कैनिडेई। बियर यानी कि भालू का वैज्ञानिक नाम तो होता है उर्सुस मैरिटिमस कॉर्निवोरा, उर्सुस मैरिटिमस कॉर्निवेरा वोरा, क्लियर। तो ये हो जाता है बियर यानी कि भालू का वैज्ञानिक नाम। जितना इंटर रिलेट करके याद करेंगे उतना ही इजीली आप इनको याद कर पाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है डियर, डियर यानी कि हिरन का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है करवस एलाफस सर्वस, सॉरी ये से बनेगा सर्वस एलाफस। पिग यानी कि सुअर का वैज्ञानिक नाम तो होता है सुस स्फ्रोका डोमेस्टिका, सुस स्फ्रोका और डोमेस्टिका, है ना। ऑक्स है यानी कि बैल का वैज्ञानिक नाम है, तो बैल का वैज्ञानिक नाम हो जाता है प्रीमीजेनियस टॉरस, प्रीमीजेनियस टॉरस, क्लियर। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई यानी कि होती है घरेलू मक्खी, जो घर की घर के अंदर जो मक्खी मंडराती रहती है, तो वो जाता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। एलिफेंट का कल पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया, तो हाथी का वैज्ञानिक नाम वो हो जाता है एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। हॉर्स पूछा जा सकता है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम तो वो जाता है एक्वस कैबलस, एक्वस कैबलस, आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। डंकी यानी कि गधे का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है एक्वस एसिनस, देखिए एक्वस कैबलस तो हो गया घोड़े का और एक्वस एसिनस हो जाता है गधे का, ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है पिकॉक, पिकॉक यानी कि मोर, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है भारत का, ये हो जाता है पावो पावो क्रिस्टेस क्रिस्टेटस क्रिस्टेटस, ठीक है। डॉल्फिन, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम हो जाता है, वो हो जाता है प्लेटिनिस्ट, प्लेटिनिस्ट गेंगेटिका, प्लेटिनिस्ट गेंगेटिका। गिब्बन, गिब्बन यानी कि लंगूर, लंगूर का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, होमी नोडिया, होमी नोडिया, है ना। लियोपर्ड यानी कि चीते का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है पैंथेरा पैडस, क्लियर। और टाइगर तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाघ यानी कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम ये था पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, तो याद रख के चलेंगे। आगे आता है रेंडियर, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है रेंजिफर तारंदुस, ठीक है, रेंजिफर तारंदुस। गॉट यानी कि बकरी, बकरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बकरी का वैज्ञानिक नाम, तो ये हो जाता है काप्रा अग्राग्रुस हिरकुस, काकरा अग्राग्रुस हिरकुस, ठीक है। तो देखिए जो भी आपको लगता है डाउट, मतलब जिनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत है, उनको लिख के याद कीजिए, थोड़ा सा इंटर रिलेट करके याद कीजिए, ठीक है, ट्रिक बनाकर याद कीजिए। कि मान लीजिए पीकॉक ही हमने यहाँ करा, तो पीकॉक पी तो बन गया पावा और कॉक से बन गया क्रिस्टेटस, तो जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे, ठीक है, और आप ये देख पाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो थोड़ा सा इंटर रिलेट वाली कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ फल हैं, ठीक है, फलों के वैज्ञानिक नाम यहाँ पर, तो मैंगो है, मैंगो है आम का वैज्ञानिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्पल पूछा गया तो मैंगो पूछा जा सकता है, तो होता है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। फिर आता है ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि संतरे का वैज्ञानिक नाम तो होता है सिट्रस सिनेसिस, सिट्रस सिनेसिस। अब मैंगो में मैग्नीफेरा आ गया, ठीक है, तो ठीक है इंटर रिलेट हो रहा है। ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो सिट्रस बन गया यहाँ से, ठीक है। पपैया, कैरी का पपैया, इजी है, यहाँ पे पपैया नाम ही आ गया, ठीक है, कैरी का पपैया। कोकोनट है, कोकोनट में कोको, कोको नुकी फेरा, ठीक है, न्यूसीफेरा, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरलेट करके अगर याद करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। बनाना है, बनाना यानी कि केले का वैज्ञानिक नाम है, तो वो है मूसा पारा डिसिए डिसिए का, ठीक है, मूसा पारा डिसिए का। फिर है पाइनएप्पल, अनानास का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, पाइनएप्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
कोमोसस पाइनएप्पल, इजी है, आसान भी है। एप्पल का कल एग्जाम में पूछा गया, एप्पल सेब का वैज्ञानिक नाम तो मैलस, ठीक है, पुमीला, मैलस पुमीला पूरा होता है, लेकिन वहाँ पर मैलस ही दिया था, कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है, ये भी होता है। और डोमेस्टिका, ठीक है, मैलस डोमेस्टिका। ग्रेप यानी कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम तो हो जाता है विटिस, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे भी विटिकल्चर बोला जाता है, तो विटिस से बना, विटिस, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पियर, पियर यानी कि नाशपाती, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम वो हो जाता है पायरस, ठीक है, पायरस कुमिनिस, ठीक है। फिर है लीची, लीची का वैज्ञानिक नाम हो जाता है लीची चिनिसिस, लीची चिनिसिस। फिर है सुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ने का वैज्ञानिक नाम होता है तो वो हो जाता है सच्चारूम ऑफिसिनेरम, सच्चारूम ऑफिसिनेरम। फिर है बैटरूट, बैटरूट का मतलब होता है चुकंदर, बैटरूट चुकंदर, तो होता है बैटा वल्गैरिस, बैटा वल्गैरिस। फिर है कुकुम्बर, कुकुम्बर यानी कि खीरा, ठीक है, तो हो जाता है कुकुमिस सैटिवस, कुकुमिस सैटिवस। टारामिन, टैमेरिंड होता है इमली, ठीक है, टैमेरिंड होता है इमली, इमली का वैज्ञानिक नाम हो जाता है तो हो जाता है टैमारिंदुस और इंडिका, टैमारिंदुस इंडिका, क्लियर। फिर है इंडिया जुजुबी, इंडिया जुजुबी बोला जाता है बेर को, बेर होता है ना, तो वो होता है जीजीफुस मैरिथियाना, जीजीफुस मैरिथियाना। फिर है जावा प्लम, जावा प्लम बोला जाता है जामुन को, ठीक है, कुछ ये नाम भी है, इंग्लिश नेम भी आप याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे। तो जावा प्लम होता है जामुन, उसे बोला जाता है साइजियम क्यूमिनी, साइजियम क्यूमिनी, क्लियर। तो गाइज यही कुछ नेम थे, साइंटिफिक नेम थे जीव जंतु और फलों से संबंधित, ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है कि सभी प्रकार की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एट गुरुकुल हब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ग्रुप को इंस्टॉल कर लेते हैं, टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर वहाँ पर आप ये भी टाइप करते हैं उसमें एट गुरुकुल हब चैनल, तो आप सीधे हमारे उस ग्रुप पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइन का बटन आएगा, उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम सभी प्रकार की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट www.gurukulhub.in से भी आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री और पेड सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है, क्लियर गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बस यही बताना था, ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट। अगर आप चाहते हैं सेकेंड पार्ट मैं इसका बनाकर चलूँ, तो इस वीडियो को लाइक करके चले, हर एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है लाइक करके चले, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट डेफिनेटली बनाकर लाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको यही सब क्वेश्चंस बताने थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।